हाई गाइज़, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइज़। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन होम डेकोर हॉल, जो मैंने खुद अपने ड्राइंग रूम में डेकोर किया है। 90% आइटम्स जो है वो अमेजोन से है, और जितने भी आइटम्स है गाइज सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर पर दूंगी, और रेस्ट जितने जो भी साइजेस है कुशन या फिर रग के वो मैं वीडियो के वॉइस ओवर में ही बताऊंगी। सो डिटेल्स के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो पसंद आए तो गाइज मेक श्योर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला आइटम ये रग है, ये कारपेट जो बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना वेलवेटी फिनिश वाला, जैसे आप इस पर वॉक करोगे ना नंगे पाँव तो इतना सॉफ्ट ये फील होगा। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रग मुझे अमेजोन से रिसीव हुई है। इस पर आपको गोल्डन गोल्डन शाइनिंग काइंड ऑफ भी मिलेगा, एंड मैट फिनिश भी मिलेगी अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो बहुत ही ऑसम रग है ये। एंड इसका साइज़ 4x6 है गाइज, इस पर आपको बहुत सारे साइज़ ऑप्शंस मिलेंगे। मेरा ड्राइंग रूम का साइज़ भी ये परफेक्ट हो गया, क्योंकि यही साइज़ की यहाँ पे रग लगती है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, इससे आइडिया ले सकते हो कि इसका साइज़ कितना है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड जो सेकेंड है वो टेबल, सेंटर टेबल के ऊपर से मैंने ये हाफ रनर लगाया है, जो अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा इन है, और ये मुझे 500 समथिंग की मिली है। इस अगर आप इसके लिंक पर जाओगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगी डिज़ाइंस की एंड प्राइस की। सो आप अपने प्राइस और डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ये भी बहुत ब्यूटीफुल, एंड बेस्ट पार्ट है कि आप इसे धो के भी यूज़ कर सकते हो, ये आराम से वॉश हो जाएगी जितना भी गंदा हो, क्योंकि बीच और क्रीम कलर है तो गंदा तो बहुत होगा। सो उसके ऊपर से मैंने ये वुडन का ट्रे लगाया है, और ये ट्रे अभी मैंने होम डेकोर टेबल के डेकोर में यूज़ करा है, बट आप एज अ ट्रे भी इसे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। और यहाँ पे सेंटेड जो कैंडल है ये भी ये मीशो की है, बट मैंने अमेजोन से मिनीशो की है बट मैंने अमेजोन से ली है। और उसके साथ में ये ग्लास का जो आपको दिख रहा है, इस पर ईद के टाइम पर मीठी सोप वगैरह रखते हैं, बट ये ऑफलाइन है। सो ट्रे और ये सेंटेड कैंडल और ये रग सब कुछ अमेजोन से है। ये स्ट्रे बहुत ज़्यादा स्टडी है गाइज, बहुत ज़्यादा साइज़ आप देख सकते हो, आइडिया लग जाएगा आराम से। आप इसे टी या फिर कोई भी नाश्ता वगैरह भी सर्व कर सकते हो, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा औसम है, इसे भी मैं रेकमेंड करूँगी। सो नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो ये पूफ लिया है, और साइड पे डोम एक स्टूल लगाया है मैंने, एक पूफ लगाया है। ये पूरा बोहेमियन मैक्रमे का पूफ है, जो बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले शूट करी हूँ एंड अभी 10-15 दिन से हम इस पे बैठ कर चेक कर चुके हैं, तो बहुत स्टडी नहीं है। इसलिए मैं इस पूफ को शो के लिए, आप ये स्टूडियो के लिए चाहो तो आप रख सकते हो, बट अगर आपको डेली बैठना है इस पे तो फिर उतना स्टडी नहीं है, बट देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो पूरा थीम है बोहो थीम, मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, और ये जो ग्रीन वॉल आपको दिख रहा है गाइस, तो इस ग्रीन वॉल के पीछे बहुत सारी कहानी है, जो गलती से ये हो गई थी। अब इस ग्रीन वॉल को इसके अकॉर्डिंग डेकोर करना इस ड्राइंग रूम को बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए मैंने ये थीम चूज़ करा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कुशंस एंड बहुत ही न्यूट्रल कलर, जो आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये बोहो फैशन यहाँ पे बोहेमियन लुक लग रहा है। सो ये कुशन मैंने ली है बोहो कुशन, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजोन पे चल रही है, आपने ज़रूर देखा होगा, और मैं से भी बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी ये कुशन की। एंड यहाँ साइड पे जो आपको दो कुशन दिख रहे हैं, ये 18x18 की है, एंड इस पे दो कुशन भी मैंने लिए हैं, देन दो कुशन कवर लिए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये स्टूल मैंने लिया है, ये भी मैक्रमे का स्टूल है, एंड ये बहुत स्टडी है। अप्रॉक्स दोनों का सेम ही प्राइस है, पूफ का भी एंड इसका भी, बट ये मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो अगर आप कुछ स्टडी ढूंढ रहे हो तो। सो ओवरऑल ये दोनों ऐसा लग रहा है, बट रूम के साथ बहुत ही बढ़िया से जा रहा था। एंड वॉल पे यहाँ पे मैंने बोहो हैंगिंग दो लिए हैं, ये दोनों साथ में आई है, पेयर ही है, आप चाहो तो तीन का पेयर कर सकते हो। अगर आप साइड में देखोगे ना तो वो बोर्ड है स्विच वाला, इलेक्ट्रिक वाला, इसकी वजह से तीन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। और दोनों का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है, एक जो है उसका डिफरेंट है, दूसरे वाले का भी डिफरेंट है, पर साथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये भी अप्रॉक्स 700 और 600 रुपीज़ में मुझे मिली है, और स्पेशली मैंने इसे स्टूडियो के लिए लिया था, बट राइट नाउ इस पर थीम पर चला गया तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। इस पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन
ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक थ्री पेयर का, सिंगल पेयर का, आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डेकोर कर सकते हो। सो ओवरऑल जो व्यू है वो ऐसा कुछ लग रहा है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और इस ग्रीन वॉल को थोड़ा आप इग्नोर ही करें क्योंकि ठीक है, बट उसके साथ भी यू नो ड्राइंग रूम डिसाइड करना ग्रीन वॉल के साथ बहुत बड़ा एक टास्क था गाइस, जो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट करा है। और यहाँ पे जो आपको पूरा व्यू मिल रहा है, ये पुराना लाइक जो भी आपको सोफा या फिर सेंटर टेबल और ये बेड दिख रहा है ना, ये काफ़ी पुराना है, लाइक इसे मम्मी पापा बिल्कुल नहीं हटाते हैं और न्यू सोफा बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेकोर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सो यहाँ पे मैंने तीन बड़े कुशंस लगाए हैं, ये 20x20 के कुशंस है एंड 20x20 के कुशंस कवर है गाइज। सो कर्टन ये वाली अमेजोन से है, यहाँ पे भी अगर आपको दिखेगा तो वॉल से मैच करा है मैंने बीच कलर एंड उस पर गोल्डन गोल्डन आपको शाइनिंग काइंड ऑफ मिलेगा डिज़ाइन। पिंक मैंने इसलिए बीच में रखा है क्योंकि ग्रीन के साथ एक पिंक कलर ही है जो बहुत अच्छे से जाती है, तो इस वजह से मैंने पिंक लाइट शेड में रखा, ये काफ़ी लाइट लग रही है, डार्क बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और ये जो कर्टन है वो 7 इंचेस के हैं। पहले अगर आप मेरे पहले वीडियोस में देखे होगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी शूट करी है, ये जो कर्टन के जो पोर्शन थे वो बहुत नीचे से थे, इसको मैंने ऊपर से करा है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सिर्फ ये बेडशीट आपको दिख रही है और ये मसलन कवर जो दिख रही है गाइस एंड सोफ़ा कवर, ये चीज़ें जो है ये लाजपत से है, ये मैंने अमेजोन से नहीं ली है। और लाजपत का जो एड्रेस, अगर आप लाजपत सेंट्रल मार्केट जाओगे ना, मेन जो रास्ता है पहला गेट जो है वहाँ से आप पहला लेफ्ट लोगे तो वहाँ पर राइट साइड में आपको 2 शॉप्स दिखेंगे, फिर वहां से आप राइट लोगे देन आपको 2 शॉप्स दिखेंगे, तो वहां पे आपको इजीली इस तरीके के सेट्स मिल जाएंगे। मुझे पूरा सेट लाइक 2 मसलिन 5 इसमें कुशन कवर्स भी है और सोफा सेट ये 3-4-5 सीटर्स के मिले 2200 रुपये में, 2200 रुपीज़ में। आप आराम से अगर आपको पसंद है तो बाय कर सकते हो, इस चीज़ को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ही ज़्यादा वेलवेट काइंड ऑफ फिनिश, बहुत ही अच्छा ये कवर सेट है जो सिर्फ ऑफलाइन है। सो अब मैं आती हूँ यहाँ पे ये पिलो कवर पे जो अमेजोन से है। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत स्टडी पिलो कवर नहीं था गाइज, लाइक थोड़ा पुराना था तो उस पर मैंने लगाया है, तो बहुत अच्छे से आपको नज़र नहीं आ रही है, बट ये कवर भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही ज़्यादा बोहेमियन है, बहुत ब्यूटीफुल है। चारों कोने पे आपको टैशल मिलेगी एंड जो इसकी क्वालिटी है ना गाइज वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, और जो पसंद नहीं आई मैं उसे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ये कुशन लिया है, और डिफरेंट डिज़ाइन के लाइक 3 कुशंस मैंने लिए थे, और ये जो कुशंस है ये 20x20 के मैंने 2 सेलर से लिया था गाइस। तो एक सेलर लिंक तो मैं दे दूंगी दोनों के, बट एक सेलर का बहुत अच्छा निकला और एक का ओके है। सो ये ग्रीन कलर मैंने ऑब्वियसली वॉच से थोड़ा मैच करते हुए बहुत थीम चूज़ करते हुए ये वाले लिए हैं। अगर इस पर जाओगे तो इस पर भी कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ब्लैक और एक पिंक में भी है शायद। और एक जो कुशन का कवर आपको लाइट ग्रे दिखेगा, लाइक दोनों कुशन जो है ना कवर वो आपको एक डार्क दिख रहा है एक लाइट दिख रहा है, सो एक सिल्वर ग्रे है और एक ग्रे है, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, आपको ऑप्शंस कलर के मिलेंगे। 20 साइज 20x20, 18x18 एंड 16x16 तीनों साइज मिलेंगे, तो यहाँ पे 20x20 की है। सो ओवरऑल ये लुक मिल रही है, एंड ये जो स्टैंड है आपने बहुत बारी मेरे लाइक स्टूडियो में देखा होगा, सो वही पीस मैंने यहाँ पे लगाया है, ये भी अमेजोन से है। यहाँ पे ये जो प्लांटर बहुत ज़्यादा इन है, आपने बहुत यू नो किसी के बैकग्राउंड या किसी के घर पे ज़रूर देखा होगा ये। सो ये हैंगिंग वाले जो है ये भी अमेजोन से है, जितने भी होम डेकोर पीस है यहाँ पे 4 पीसेस मैंने रखे हैं, प्लांट अमेजोन से है, ये जो केज है वो कैंडल होल्डर है वो भी अमेजोन से है, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना ये कैंडल होल्डर है ये लाइक घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे लगा दिया, काफ़ी स्टडी है, प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छा है एंड मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी लाइक जितने भी पीसेज हैं। सो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मनी प्लांट भी आपने मेरे स्टूडियो में देखा होगा, काफ़ी पुराना है, एंड ये जो प्लांट है प्लांटर में जो रियल प्लांट्स यहाँ पे प्लांट मैंने लगाया है ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, सो अगर आप चाहो तो आप रियल प्लांट या फेक प्लांट दोनों लगा सकते हो। सो ओवरव्यू कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कैसी लगी आपको कमेंट पे ज़रूर से बताना। सो अब चलते हैं सोफ़ा की तरफ, ये जो कुशन कवर है ये भी अमेजोन से है, बट ये जो सोफ़ा कवर है आप देखो मैं दिखा दे रही हूँ, अगर आप दिल्ली रहते हो तो आप लाजपत से ये ले सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा ऑसम पीस है ये, बहुत मुझे पसंद आई है। एंड यहाँ पे येल्लो मैंने एक ऐसे यू नो लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर में चूज़ करके यहाँ पे लगाई हूँ ना, इसलिए मैंने एक येल्लो साइड पे ये
पिलो कवर काइंड ऑफ दे दिया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इन है इस तरीके के सोफ़ाज़ पे लगाना। इस पे भी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने डिज़ाइन या फिर पेंट के अकॉर्डिंग, जो भी घर का आपका है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 3 कुशन्स रखे हैं, एक ये आपके जो मैक्रमे मैच हो जा रही है हैंगिंग और आपके स्टूल से, और बीच में मैंने ये पिंक कुशन रखा। ये 5 का सेट आता है, बट ड्राइंग रूम में राइट नाउ मैंने 3 यूज़ करा है, 2 रखा हुआ है। रीज़न ये है, थोड़ा बोहो फैशन यूज़ करना चाहती थी और मैंने और भी पिंक कलर के कुशन ऑर्डर करे थे गाइज, बट वो मुझे रिसीव नहीं हुआ तो मैंने ये वाली यूज़ कर दिया। बट इन फ्यूचर मैं वही बोहो वाला आपको जो दिख रहा है ना, उसी से लाइट पिंक ही मैं फ्यूचर में लगाऊंगी। सो ये भी कुशन कवर काफ़ी अच्छे हैं, बट मैं ये बता दूँ इस सेलर का, 5 कुशन कवर में 3 बहुत ही कलरफुल लाइक अच्छे ब्राइट कलर में मिले हैं और 2 जो है बहुत डल कलर मिला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सेलर का भी हेरा फेरी होते रहती है। ये भी जो येलो वाला है वो पीस मुझे पिलो कवर की बहुत पसंद आई। सो इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्टन के ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पे 2 सोफ़ा रखा हुआ है। तो सेम वही पिंक कलर का मैंने कुशन कवर यहाँ पे लगाई है एंड कर्टन यहाँ पे लगाई है, पिंक बीच में एक है, देन बीच कलर है। सो कर्टन का लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी गाइज, रीज़न ये है कि जब भी मैं माय ऑर्डर पे लिंक सर्च कर रही हूँ मुझे वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर चीज़ें ऑटो स्टॉक भी चली जाती है बट फिर भी लिंक मिल जाती है, बट राइट नाउ कर्टन की लिंक मुझे नहीं मिल रही है। मैं और भी घर के लिए ऑर्डर करना चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ, जैसे लिंक अवेलेबल होती मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन की वजह से सेलर ने अभी सेल करना बंद कर दिया, इस वजह से हो सकता है। सो कुछ इतने पीसेस मैंने लिए हैं और इस तरीके से डेकोर करा है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। वैसे तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब के, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी है, बट जितने फैमिली फ्रेंड्स या किसी के फ्रेंड जो भी फोटोज़ में ईद के फोटोज़ में देखे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि लिंक चाहिए, इसका चाहिए, उसका चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो प्लीज़ गाइज कॉमेंट ज़रूर से करना एंड कंजूसी मत करो सब्सक्राइब करने पर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बाय गाइज़।